हेलो गाइस, आज दिखाऊंगा फैमिलियर का जो सपोर्ट वाला स्किल है वो अनलॉक कैसे होता है। अच्छा, ये जो राइट वाला जो आइकॉन दिख रहा है ये फैमिलियर का आइकॉन है। यहाँ पे जितनी अनलॉक स्किल है सब यहाँ पे ही एक्सेस कर रहा हूँ। ये कुछ फैमिलियर है जो मैंने पहले से अनलॉक कर रखा है। आज एक नया फैमिलियर अनलॉक करूँगा। अच्छा, ये नया फैमिलियर है इविल। इविल इसका स्किल है जो नॉर्मली मिलता है, ये हैचिंग स्टेज का स्किल है। ये फूड प्रोडक्शन को अपडेट करता है। ये इसका जो सपोर्ट स्किल है गैदर राउंड, ये 4 घंटे का रिसोर्सेज देता है। जितना प्रोडक्शन बड़ा होगा उतना ज़्यादा रिसोर्सेज देगा। मतलब 1 घंटे में अगर 1 मिलियन गोल्ड हो तो 4 घंटे का रिसोर्स मतलब 4 मिलियन गोल्ड एक साथ में दे देगा इसको स्किल अनलॉक करने के बाद। ये जो अपडेट का सिंबल यहाँ पे देख रहा है इसका मतलब अभी इसको हम अपडेट कर पाएंगे। इसके लिए ये 10 मेडल और रूनू जो भी है ये चाहिए। इसको कैसे मिलता है, मतलब ये रूनू कैसे मिलेगा, इसके लिए इस जो स्पायर है मिस्टिक स्पायर यहाँ पे आके ये पैक्ट 2A में जाके इसको मार्च करना पड़ेगा। अच्छा, मार्च करने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि ये फैमिलियर वाला जो गियर है इसको मतलब पैन ना हो। इससे क्या होगा, मार्जिन का स्पीड थोड़ा मतलब बूस्ट होगा, मतलब टाइम कम लगेगा मार्जिन करने में। अभी मेरे पास यही सेट है, इससे ज़्यादा भी नहीं मिला इस अकाउंट में। ये सेट को कहाँ से मिलता है बोल देता हूँ एक बार। इवेंट में जाके ये जो वूडू शैमन है ये मॉन्स्टर को हंट करने से ये फैमिलियर का सारे मतलब गियर मिल जाएगा। और एक्सेसरीज में एक गियर है, ऐसे भी देख सकते हो एक्सेसरीज में। यहाँ से फिल्टर कर लेता हूँ। मार्जिन स्पीड का ये पाला जो है मिस्टिक बॉक्स, इसको पहनने से ही मार्जिन स्पीड बूस्ट होता है और फैमिलियर का एक्सपी बूस्ट होता है। अच्छा, आप चलते हैं इसको एनहेंस करने के लिए। अभी ये फैमिलियर को एनहेंस करेंगे हम। इसको अपडेट करने के लिए 12 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन्हें इसमें दे देता हूँ। अभी ये स्किल हमारा अनलॉक नहीं हुआ है, लॉक है। थोड़ा स्पीड अभी इसको देता हूँ। 3 घंटा, ठीक है। चलो चलो, इसका स्किल अनलॉक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाके इसका स्किल चेक करते हैं। यहाँ पे गैदर राउंड इसका अगर यूज़ करेंगे तो अभी भी मिल जाएगा, लेकिन इसको यूज़ करने का एक तरीका बोल देता हूँ। मतलब जो भी चाहिए, देखो ये मेरा अभी का रिसोर्सेस है जितना। अगर मैं फूड ज़्यादा चाहता हूँ तो मैं फूड प्रोडक्शन का गियर पहन लेता हूँ। जो भी मेरा फूड गोल्ड चाहिए तो गोल्ड का थोड़ा पहन लेता हूँ। ये गोल्ड अपडेट कर देगा। ये फूड का है, ये गोल्ड का है, ये टिम्बर का है, ये भी गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड का। चलो, अब मेरा प्रोडक्शन देख लेता हूँ। मतलब इस अकाउंट में अभी मतलब फूड है 391882। मतलब इसका 4 गुना अगर करूँ तो मतलब 12 होगा, 1.2 मिलियन समथिंग होगा। मतलब ये हो जाएगा 1.7 के आसपास अगर ये स्किल को एक्टिवेट करूँ। स्किल को एक्टिवेट करता हूँ, ये मैंने एक्टिव कर लिया स्किल। अब थोड़ा रिसोर्सेस जा रहा है, देखो टोटल 1.7 और ओके, ये रिसोर्सेस मेरा बढ़ गया।
इसको अनलॉक करने के लिए ये पैक टू में जाके इसको मर्ज करना पड़ेगा। अभी देखो इसका टाइम 20 घंटे का लग रहा है, लेकिन जब मैं फैमिलियर गियर करूँगा तब ये टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पिछली बार अगर कोई नया स्किल अनलॉक करूँ तो उसका भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। बाय गाइस।